90% of people lose their 90% 90 लूज कर देते हैं मार्केट में. उसके पीछे क्या रीजन होते हैं वो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें इस वीडियो में मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मार्केट रेंज बाउंड में होती है तो इन्वेस्टर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है तो मोस्टली जो इन्वेस्टर पहले जब स्टॉक मार्केट में ऐसे होता था कि सिर्फ सत्ता होता था और लोग रोज बाइंग करते थे फिर उसको सेल करके फिर कम रेट पे उसको दोबारा बाइंग करते थे और वहां से कैपिटल गेन करते थे लेकिन लेकिन लोगों को ये बहुत टाइम लगा ये समझने में कि जो डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं जो विनर स्टॉक होते हैं आप वहां से ज्यादा कमाएंगे एज कम्पेयर टू डेली ट्रेडिंग उसके बाद बिफोर दैट वी यूज टू ट्रेड क्वाइट अ लॉट उससे पहले हम हाँ जो सारे इन्वेस्टर होते थे स्टॉक मार्केट में वो ज्यादातर ट्रेड ही करते थे और वहां से डेली फाइव टू टेन परसेंट कैपिटल गेन ही करते थे 2017 से पहले लोग जस्ट इन्वेस्टिंग करते थे लेकिन 2017 के बाद ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि मार्केट में रोज डेली जो होते थे ट्रेडिंग ही होती थी और लोग वहां से कैपिटल गेन ज्यादा करते थे एज कंपेयर टू डिविडेंड स्टॉक्स लेकिन अभी जैसे मार्केट की कंडीशन है तो दिस मेटर्स वंडर इफ इट इस टाइम नाउ टू चेंज अवर अप्रोच अब हमें अपनी अप्रोच जो है वो चेंज करनी चाहिए हमें विनर स्टॉक्स की तरफ से तरफ जाना चाहिए अदर देन लूजर स्टॉक जिसमें डेली ट्रेडिंग ज्यादा होती है वॉल्यूम ज्यादा होता है उनके मार्केट शेयर प्राइस में भी फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट पर्सनैलिटीज कांट बी अंडन ईजली अब हर कोई जो इन्वेस्टर होता है उनकी पर्सनैलिटी जो होती है इन्वेस्टमेंट की अलग होती है कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं और ट्रेडिंग करके अपना पैसा कमाते हैं और कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो मीडियम रेंज में होते हैं जब मार्केट में तेजी होती है तब वो डे ट्रेडिंग करते हैं और जब मार्केट मंदी में जाती है तो वो जस्ट वैल्यूबल स्टॉक्स बाय करते हैं जो कि आपको एवरी ईयर पे आउट देती है अच्छा और यहाँ पे एसी ट्वेंटी बेस्ट कंपनीज पे आउट वाली जो कि हर साल अपने इन्वेस्टर्स को ट्वेंटी uh, परसेंट या ट्वेंटी फाइव परसेंट डिविडेंड देती हैं और पे आउट भी देती हैं। उसके बाद आता है कि डिट वी चेंज अवर अप्रोच क्या जब जो अभी स्टॉक मार्केट की कंडीशन है क्या हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए तो तो कंडीशन हाँ, है अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो लोग मोस्टली इन्वेस्टर इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि डेली मार्केट के जो शेयर है कभी नीचे जा रहे हैं कभी अप जा रहे हैं वी वुड सेल स्टॉक अगर हम कोई स्टॉक सेल कर देते हैं हाफ क्वार्टरली ताकि हमें वहां से कैपिटल गेन हो फिर जब आ, हम उसको सेल कर देते हैं तो उसकी जो मार्केट शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है और जब हम उसको दोबारा बाय करते हैं तो लॉस हमारा ही होता है सो नॉट टू द फॉर एफ ओ एमओ स्टॉक जब भी हम कोई स्टॉक सेल करते हैं तो हम ज्यादा एंशियस हो जाते हैं फंडामेंटली जो साउंड स्टॉक तो, होता है उसको सेल करने के बाद हम उसको इसीलिए सेल करते हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ पॉलिटिकली रीजन होते हैं या और कुछ रीजन भी होते हैं मार्केट के हैविंग डन बोथ फॉर Such a long time now. We know we know that there's no one fit for all solution. Also, there's no quick fix. If we have any, any market problem, it doesn't to fix quickly. It. it takes time.

इन्वेस्ट करके वहाँ से पे आउट ही लें तो इन्वेस्टर वेस्ट ट्रेडर्स नॉट नो राइट आंसर स्पेंड टाइम इन नोइंग यूर सेटेबल विद वी कॉन्ट स्ट्रेस दिस इनअप सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को समझें कि आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है अगर आप ट्रेडिंग की साइड ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप उस अप्रोच पे ही काम करें और अगर आप जस्ट इन्वेस्टमेंट साइड पर जाना चाहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं जहाँ पे आपको हर साल बस रिटर्न ही मिलता हो तो आप उस तरफ ही जाए आपकी हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज होती है कोई ट्रेडिंग में इंटेलिजेंट होता है तो कोई इन्वेस्टमेंट साइड

सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें